निगम भिलाई के वार्ड 21 के नक्टा तालाब की दुर्दशा इस कदर हुई है कि इस गर्मी के मौसम में और बाद क्षेत्र वासियों को भूजल स्तर कम होने से दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष शर्मा और आप देख रहे हैं ग्रैंड एशियन न्यूज। एक विशेष पेशकश के दौरान हम आपको यह दिखाना चाह रहे हैं कि भिलाई शहर के तालाबों की स्थिति नगर पालिक निगम भिलाई के उदासीनता की वजह से किस कदर बर्बाद होती जा रही है। अभी हम जहां खड़े हैं ये है कुरुद का नक्टा तालाब, और इस नक्टा तालाब में छठ पूजा के पहले से ही इस तालाब में कमल फूल और एक अजीब प्रकार की घास किसी ने डाल दी थी। और ऐसा कहा जाता है कि जो लोग इस तालाब में अवैध रूप से मछली पालन कर रहे थे उन्हीं लोगों ने मछली के चारे के तौर पर ये घास को डाला था। अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ की जो वार्ड पार्षद है कैलाश नगर कुरुद वार्ड क्रमांक 21 की, उनको भी यह संज्ञान में दिया गया था, उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा था और उनको यहाँ के रहवासियों ने गुहार लगाई थी कि गर्मी से पहले जब इस तालाब को नहरों के माध्यम से नालियों के माध्यम से भरा जाता है उसके पहले इस तालाब का पानी खाली करके इसके अंदर के जो कमल के फूल और जो जो घास उगाई है उसे साफ करवा दिया जाए, लेकिन उन्होंने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। वार्ड पार्षद की हठधर्मिता और नगर पालिक निगम भिलाई की उदासीनता की वजह से कुरुद का यह नक्टा तालाब एक बार फिर अपनी दुर्दशा की कहानी कह रहा है। दोस्तों, ज़रूरी होगा कि नगर पालिक निगम इस ओर ध्यान दे और इसे संज्ञान में लेते हुए कोई ठोस कदम उठाए, अन्यथा इस वर्ष गर्मी में हालात बद से बदतर हो जाएंगे। और यह तालाब, इसमें पानी नहीं भरा जा सका है, इसकी वजह से आसपास के क्षेत्र के भूजल स्तर को बचाया नहीं जा पाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए मैं हूँ संतोष शर्मा।